हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहायक प्राचार्य का स्थानांतरण रुकवाने की मांग को लेकर छात्रों ने की सड़क जाम। छात्र नेता मेवाड़ा के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला। तहसीलदार मिश्रोहे की समझाइश पर माने छात्र। रेवतर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने सहायक प्राचार्य का तबादला रोके जाने को लेकर सड़क मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। छात्र नेता प्रवीण मेवाड़ा के अनुसार राजकीय महाविद्यालय रेवतर क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है, किंतु यहां पर शिक्षकों की भारी कमी का सामना महाविद्यालय के छात्रों को पहले से ही करना पड़ रहा है। इसके उपरांत भी महाविद्यालय में कार्यरत कार्यवाहक प्राचार्य गोविंद नैनीवाल का तबादला भी अन्यत्र हो गया है। ऐसे में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। श्रवण चौधरी ने कहा कि जब तक महाविद्यालय में प्राचार्य का पद नहीं भरता तब तक वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य का तबादला रोका जाए। ऐसे में तहसीलदार जगदीश बिश्रोही की समझाइश व आश्वासन के पश्चात छात्रों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान श्रवण सिंह, जितेंद्र मेघवाल, महावीर लोहार, करता राम, अशोक रावल, विपुल राव, विकास, दशरथ, राहुल, धर्मेंद्र, नितेश, श्रीपा, सचिन, उत्तम, कमला, संगीता, जस्मीन, हीना, सेजल, नैना, काजल, कुसुम, गौरी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए रेवदर से विक्रम कुमार डाबी की रिपोर्ट।